हे गाइस, तो अभी रात के 11:30 बज रहा है और अचानक से प्लानिंग हो गई है मेरी जाने कहीं दोस्तों के साथ। आज एक दोस्त का बर्थडे भी है तो उसी के चक्कर में सब दोस्तों ने कहा कि निकल चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ चित्रकूट के लिए। बहुत दिन हो गए चित्र, मतलब गया हूँ बहुत बार, लेकिन जब से मैं वीडियो शूट करने लगा हूँ नहीं गया हूँ। तो पहली बार मैं जा रहा हूँ जब से वीडियो चालू कर दिया है। तो अभी 11:30 बजे बस निकलने वाला हूँ और ये रहा मेरा आईफोन, एकदम रेडी हो गया, मेरा बैग एकदम रेडी है। लॉन्ग ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, मतलब 2-3 महीने बाद। मैं अभी तो मिनी ब्लॉग ही बना रहा था, अब ये मेरा 2 महीने बाद ये पहला है कि मेरा लॉन्ग ब्लॉग आएगा। तो अभी चलता हूँ, निकलता हूँ। वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और मज़ा आएगी। तो अभी निकलता हूँ, एकदम रेडी हूँ मैं, बस दोस्त आ जाए फिर निकलता हूँ मैं। बस मैं रेडी हो जाता हूँ जिम का भी नहा के आई है। मम्मी के पैर आशीर्वाद लेके चलते हैं। जय हमारी गाड़ी। गाड़ी आप चलाएंगे? जस मैं चलाऊंगा जी। तो उतरिए। हेलो। ये हमारे लाला भाई, इनका बर्थडे है आज। और इसी इनका बर्थडे है जो हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने भाई। और ये हमारे सो, हम लोग निकल चुके हैं। पहले हम लोग का प्लान हुआ था 9 बजे निकलने के लिए, लेकिन किसी तरह से वो घटते 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 11:30 बजे। फिलहाल अभी मैं अपने घर से सब को पिक करके निकल चुका हूँ। अभी एक दोस्त को और पिक करना, जो कि पुल के पास हमारा वेट कर रहा है, उस वो भी मतलब बहुत देर बाद वो भी माना कि हाँ चलेंगे। तो ये देखो, ये आशीष और इन दोनों को भोरा फलत मिला, आप अच्छा करते, बहुत दिन बाद ये मिल रहे हैं। आशीष का बर्थडे तो हम लोग ये सेलिब्रेट करने जाओ। ये हमारे अमित भाई, थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम लोग की चालू हो गई थी मस्ती कार में ही। ये धीरे धीरे नाच छोरी तीजे को तोड़ेगी, ये पगाम तेरे पाइजम छोरी कुंगरू तू होंदे होड़ेगी, छोई छोड़ेगी डीजे तबला और तोड़ेगी, तोड़ेगी रे छोरी तोड़ेगी डीजे का छोबर तोड़ेगी, छोरी नाचेगी डीजे तेरे। तो अभी हम लोग पहुंचे अवगासी के पास, थोड़ा सा पहले 3-4 किलोमीटर। तो खाना खा के दुआ से निकले नहीं थे, तो ढाबा मिला है। इसके बाद कहते हैं ढाबा है नहीं, भूख बहुत तेज लगी हुई है। तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे ढाबा है जहाँ ट्रक व्रक सब खा, ट्रक वाले सब खाते हैं। तो चलते हैं, कुछ सब लोग पहुँच गए, मैं ही हूँ, चल चल देखते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे, लेकिन यहाँ की गंदगी इतनी ज़्यादा थी और खाना भी सही नहीं था, तो हम लोग यहाँ खाए नहीं। फिर उसके बाद कम करीब बहुत आगे पहुँच चलने के बाद हम लोग रात 3 बज गए थे। फिर हम लोग को एक ढाबा मिला, फिर वहाँ हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह घर से खा के निकले नहीं थे और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो यहाँ पे मैं, अमित और लाला
तीन लोग हैं क्योंकि दो लोग तो फिर सो रहे हैं, चलो उनको जगा के लाते हैं। तो ये भी देखो, ये सोनू सो रहा है, गोलू किसी तरह बड़ी मन्नतों के बाद उसको जगा के ले गया खाना खाने के लिए, क्योंकि कोई नहीं खाया था। तो फिलहाल हम लोग को खाना लग गया। हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक दाल, दाल फ्राई और एक जीरा आलू और रोटी, बस इतना ही खाया। मैं थोड़ा सा खाया था, बाकी ये सब खा गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग लगी कि थोड़ी सी चाय भी पी ली जाए, तो हम लोग ने चाय भी ऑर्डर कर ली थी। खाने के बाद चाय आप ही जाइए डाइवर्जन कर दे उधर उधर से आओ। तभी हम क्या कहते उधर से ले लिया, इधर से नहीं कर सकती है। जय हो। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कई घंटों की ट्रैवलिंग के बाद। यह है चित्रकूट धाम का मेन गेट, जहां को मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अभी यहां से मंदिर काफ़ी दूर है। 4.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोग पहुंचे हैं अभी। वो भी हम लोग नहाने आए थे, लेकिन यहां पे पानी इतना ज़्यादा तेज है। यहाँ हम लोग आते थे पहले पानी नहीं होता था। अभी तो फिलहाल हम लोग सतून कर रहे हैं देसी जुगाड़, क्योंकि पैसों में खरीदने को मिला 10 रुपए की तीन अभी कर रहा है। ब्रश व्रश को लेके आए नहीं हम लोग, पानी बहुत तेज बह रहा है। देसी जुगाड़ तो हो गया कुल मिला के, भी उजेला नहीं अंधेला है। अभी 5:15 बज रहा है। अमित भाई तो नहाने लगे हैं। हम लोग का समय आ गया पानी में उतरने के लिए। ये तीन तो उतर गए, मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि पानी काफ़ी गंदा हो रहा था। पहले हम लोग आते थे यहाँ पानी को साफ हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पर पानी बहुत गंदा, बाढ़ का पानी गंदा बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली मैं भी उतर गया हूँ नहाने के लिए। हम लोग आए हैं तो मज़ा तो करेंगे। यहाँ ये पीड़ दिख रहा है, यहाँ हम लोग बैठ के नहाया करते थे। यहाँ कंप्लीट। लोग नहा के चेंज करके गाड़ी में बैठे थे और डिस्कस कर रहे हैं कहाँ जाना है और घूमने, दर्शन करना है कि सिर्फ घूमने और कहीं घूमने जाना है। तो फिलहाल हम लोग को डिसाइड हुआ कि हम लोग सीधा चलेंगे कामता महाराज जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे क्योंकि सबको काम भी है। तभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, प्रसाद लेने के बाद सीधा जाएंगे मंदिर। मंदिर को ये रहा मंदिर का गेट, जो कि थोड़ी सी सीढ़ियों के बाद अभी हम लोग कर रहे हैं दर्शन। यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था तो बड़ी मुश्किल से सोने में सूट किया थोड़ा सा। और दर्शन करने के बाद हम लोग जो प्रसाद मिला उसके बाद हम लोग अगरबत्तियाँ जलाएँ, मैंने लिया था, सोनू ने नहीं लिया था। फिर नारियल पिया, नारियल तो मैंने नहीं पिया, नारियल का पानी नहीं पिया, बाकी ने सबको पिला दिया। बड़ा मीठा पानी था, थोड़ा सा चखा था बस। तो फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए कंप्लीट, अब लोग निकल रहे हैं घर के लिए, कोई नहीं कहीं घूमेगा। तो मिलते सीधा घर पे। अब अभी हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं था तो रास्ते में लग गई भूख। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जलेबी और पकौड़े समोसे का नाश्ता।
उसके बाद मैं पहुंचा घर। घर पहुंचते ही थॉर को देखो, जैसे ही मैं घर कहीं से भी आता हूं ना तो थॉर ऐसे ही मेरे ऊपर लग जाता है। हे गाइस, तो अभी शाम को 7 बज रहे हैं, आप टाइम पीछे देख सकते हैं, 7:05 हो रहा है और मैं सुबह 11:30 आ गया था चित्रकूट से। कल हम लोग रात को निकले थे 12:00, 11:30 बजे घर से निकला था, हम लोग निकलते निकलते 12 बज गया था। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे 5:15। सारी रात मैंने गाड़ी चलाई, सारी रात मैं और आशीष, हम दोनों, मैं आशीष और हमें तीन लोग, सारी रात गाड़ी, रात मैंने गाड़ी चलाई है। थक गया था इतनी ज़्यादा कि मैं आते यहाँ आया, फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं सो गया। वीडियो भी एडिट करनी, सब चीज़ करना था, मैं याद ही नहीं, सब सो गया था, थक गया था। इधर जाते हुए गाड़ी चलाई, उधर आते हुए गाड़ी चलाई, मैंने अतर्रा के आगे तक गाड़ी चलाई है। मतलब ऐसा नहीं कोई चला नहीं था, मैंने किसी को दिया नहीं। तो चलिए, फिलहाल मैं इसी ब्लॉग को एंड करना था। तो आपको बीच बीच में ऐसे लॉन्ग ब्लॉग मेरे ट्रिप का या अदरवाइज आपको मिलते रहेंगे, मिनी ब्लॉग आपको रोज मिलेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं से एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।